सड़क के रखरखाव के काम को जारी रखते हुए और यातायात महानिदेशालय के सहयोग से मस्कट नगर पालिका आंशिक रूप से अल खारजिया स्ट्रीट मंत्रालयों की ओर अल शाती स्ट्रीट के चौराई के बाद को आज से शुरू होकर शनिवार 8 जनवरी 2022 तक आंशिक रूप से बंद कर देगी। कृपया ध्यान रखें और यातायात निर्देशों का पालन करें, मस्कट नगर पालिका ने एक बयान में कहा। ओमान न्यूज़ एजेंसी ने एक बयान में कहा, दोफार में राखियुद के विलायत में वादी ओफाल ब्रिज का निर्माण जो उन कार्यों परियोजनाओं का हिस्सा है जिन्हें टेंडर बोर्ड ने वर्ष 2021 के लिए अपनी 8वीं बैठक में मंजूरी दी थी। यह सलाला के विलायत और राखियुद के विलायत और धालकूट के बीच यातायात के सुचारू प्रवाह में योगदान देगा और विभिन्न सेवा और विकास को बढ़ाएगा। ओमान में पिछले 72 घंटों में कोरोना वायरस के 343 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा एक नई कोविड-19 से संबंधित मौत हुई है। Thank you.